हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टुगेशिया, आप सभी का फिजिक्स मेंटर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में बात की थी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, और हमने एप्लीकेशंस जो थी वो सारी कंप्लीट कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने दो एप्लीकेशंस पर डिस्कशन किया था, जो कि थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट और इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए, आज उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, और उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, टू लार्ज एंड थिन नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट आर प्लेस्ड पैरेलल एंड नियर टू ईच अदर। सबसे पहले यहां पर गौर करने वाली बात है, क्या कौन सी मेटल प्लेट्स है? नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स है। कौन सी मेटल प्लेट्स है गाइस? नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स, प्लेस्ड पैरेलल एंड नियर टू ईच अदर। चार्ज एट देयर इनर फेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट विद देयर मैग्नीट्यूड। इनके इनर फेसेस पर जो चार्ज दे रखा है वो इक्वल है और ऑपोजिट है, जिसका मैग्नीट्यूड है 17 इंटू 10 टू दी पावर 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहां कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? चार्ज एट देयर आउटर इनर फेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट विद देयर मैग्नीट्यूड 17 इंटू 10 टू दी पावर कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर सिर्फ चार्ज की यूनिट नहीं होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये किसकी यूनिट है? कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट है। मतलब आपको यूनिट से भी पहचानना होगा कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है आपको, क्यू बाय ए। ओके, नाउ तो आगे क्या कह रहा है? डिटरमाइन द इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट। पहला आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट, दूसरा आउटसाइड द सेकेंड प्लेट, एंड तीसरा बिटवीन द प्लेट्स। तीन अलग अलग पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको दो मेटल प्लेट्स दे रखी हैं। सपोज कर लीजिए एक प्लेट ये है, जिसके अंदर यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह से ये मेटल प्लेट चार्ज है, और दूसरी मेटल प्लेट आपकी ये है, क्योंकि इन पर ऑपोजिट चार्ज है तो ये क्या हो गई? नेगेटिव, और इसके बाहर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, दोनों पैरेलल ही रखी हुई है, सेपरेशन में मान लेता हूं कुछ डी है। तो पॉइंट आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट आपकी ये है, सेकेंड प्लेट आपकी ये है। फर्स्ट प्लेट के बाहर की तरफ जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ये हो जाएगा आपका, पॉइंट पी वन। सेकेंड पॉइंट आउटसाइड द सेकेंड प्लेट, सेकेंड प्लेट के बाहर का जो पॉइंट होगा वो आपका ये हो जाएगा पॉइंट पी टू, और थर्ड पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स जो होगा वो ये होगा आपका पॉइंट पी थ्री, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो जब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट, अगर नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख चुके हैं, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन लेन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? आई होप ये सबको पता होगा। चलिए तो पॉइंट पी की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एट पॉइंट पी वन, पी वन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पी वन पर दोबारा से यहां आते हैं, पी वन पर इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, पॉजिटिव प्लेट की वजह से कुछ इंटेंसिटी होगी। वो इंटेंसिटी कहां होगी गाइस? वो इंटेंसिटी होगी कुछ पॉजिटिव प्लेट पर, जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन में ई वन,
क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहां पर अगर मैं कोई क्या करता हूं यूनिट टेस्ट चार्ज अज्यूम करता हूं, तो उस टेस्ट चार्ज पर ये फील्ड किस तरफ लगाएगी, आउटसाइड। ओके चलिए, साथ ही साथ में इससे कुछ ही दूरी पर फाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरी प्लेट भी है जिस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो अगर मैं इसको भूल जाऊं तो क्या इस प्लेट की वजह से, इसको अगर हम भूल जाए तो क्या इस प्लेट की वजह से भी इस पॉइंट पर क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बिल्कुल होगी। और इस सेकंड प्लेट की वजह से पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर हम कंसिडर करें तो वो कहां हो जाएगी, वो हो जाएगी अंदर की तरफ E2। क्लियर है, E2 क्लियर। तो इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर दोनों प्लेट की वजह से इंटेंसिटी बट अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी एट पॉइंट P, देखिए एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ चार्ज्ड प्लेट्स, बोथ चार्ज प्लेट्स, दोनों चार्ज प्लेट्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, देखिए ई वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंटेंसिटीज को एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा इंटेंसिटी है तो उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, E की वैल्यू आपके पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके बीच में जो थीटा बन रहा है हमने देखा है डायग्राम में वो कितना है, 180 डिग्री। देख पा रहे हैं आप यहां पर दोनों इंटेंसिटीज के बीच में जो यहां एंगल बन रहा है वो कितना है, 180 डिग्री। इज इट क्लियर, चलिए। तो यहां पर इस वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा इंटेंसिटीज का वो आएगा कुछ E1 माइनस E2, मैग्नीट्यूड क्या आएगा E1 माइनस E2, क्लियर, क्योंकि 180 डिग्री है, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर सम का तो मैग्नीट्यूड आ जाता है E1 माइनस E2। नाउ दोनों ही प्लेट्स का जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है, तो फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से इंटेंसिटी पॉइंट पी पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट डस नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन पॉइंट एंड प्लेट, क्योंकि यहां पर आर कहीं नहीं आ रहा है, तो यहां पर सेपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी हो। तो पहली इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट की वजह से, और दूसरी प्लेट की वजह से भी इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में है और दोनों पर चार्ज डेंसिटीज की वैल्यू भी सेम है, तो दोनों की वजह से पॉइंट पर आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट इंटेंसिटी इक्वल आएंगी, और अगर ये इक्वल आएंगी तो आपस में कैंसिल आउट भी हो जाएंगी। अगर ये कैंसिल आउट हो जाती है तो इस ई पर नेट इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी बेटा जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर, जीरो हो जाएगी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स डस नॉट डिपेंड अपॉन दी सेपरेशन बिटवीन प्लेट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मेटल प्लेट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में ये इंटेंसिटी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, इस वजह से दोनों की इंटेंसिटी सेम होंगी, क्योंकि यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है और सेम मीडियम है, इस वजह से नेट इंटेंसिटी आपकी कैलकुलेट क्या होगी, जीरो। चलिए इसी तरह से सेकंड पॉइंट देख लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 क्या है, आउटसाइड दी सेकेंड प्लेट, आउटसाइड
outside the second plate. Electric field intensity outside the second plate. क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, अगर हम second plate की बात करते हैं तो दोबारा से आते हैं इधर diagram पर. देखिए, ये diagram देख पा रहे हैं आप, ये आपका second point है P2. तो दोबारा से ये कहाँ है? Outside the plate. अब देखिए, second वाली plate की वजह से point P2 पर जो intensity होगी उसकी direction अंदर की तरफ होगी E2. फर्स्ट वाली प्लेट की से पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन दोबारा कहां होगी? E1 आउटवर्ड्स. दोबारा से इंटेंसिटी सेम होगी क्योंकि सेपरेशन या डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, और एंगल जो यहां बन रहा है आपका वो बन रहा है 180 डिग्री. तो इस वजह से अगेन यहां पर इंटेंसिटी क्या आ जाएगी गाइस? इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 पर इंटेंसिटी E क्या हो जाएगी? E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, या E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, दोनों ही सेम है. वैल्यू क्या रखेंगे हम? अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो E1 माइनस E2 दोनों को ऐड करना है, नेट मैग्नीट्यूड क्या आएगा? जीरो ही आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि एंगल कितना है यहां पर? थीटा बिकम्स 180 डिग्री. तो E की वैल्यू हो जाती है आपकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट हो जाएगा. अगेन नेट इंटेंसिटी आपकी यहां पर भी क्या आएगी? जीरो ही आएगी. नेट इंटेंसिटी अगेन यहां पर गाइस देख लीजिए आपकी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी. कोई डाउट नहीं रखना इसमें, क्लियर? चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. इसी तरह से थर्ड पॉइंट एट पॉइंट P3 बिटवीन दी प्लेट्स, बिटवीन दी प्लेट्स. चलिए बिटवीन दी प्लेट्स के लिए भी एक बार वापस डायग्राम की तरफ चलते हैं हमारे. ये रहा आपका, देखिए ये आपका डायग्राम है बेटा. तो बिटवीन दी प्लेट्स के लिए क्या होगा? देखिए बिटवीन दी प्लेट्स की अगर हम बात करें तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इंटेंसिटी आउटवर्ड विच इज E1, और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इंटेंसिटी इनवर्ड विच इज ऑल्सो E2. तो अब अगर हम यहां पर देखें तो बिटवीन द प्लेट्स इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है आपके पास. बिटवीन द प्लेट्स इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है. तो अब क्या हो जाएगा? अब यहां पर जो जीरो बन रहा है, एंगल बन रहा है आपका, वो बनेगा यहां पर 0 डिग्री, नॉट 180 डिग्री. इट इज क्लियर? क्वाइट सिंपल. एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन जाएगा. तो क्या होगा गाइस? देखिए, तो यहां पर क्योंकि थीटा जो है वो आपका क्या है? 0 डिग्री है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 प्लस E2, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी का E1 प्लस E2 हो जाएगा दिस टाइम. इस बार मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2. इज इट क्लियर? E1 प्लस E2, तो वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू हो जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये थर्ड पॉइंट का आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर? देख लीजिए इस तरह से ये आपका जो सॉल्यूशन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है. आई होप इट इज वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तीनों पॉइंट्स पर इंटेंसिटी इस तरह से आएगी. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारे. नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं गाइस. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसी सीक्वेंस में वो है
force on a charged conducting sphere. Force on a charged conducting sphere. साथ ही साथ प्रेशर की भी बात कर लेंगे. फोर्स और प्रेशर ऑन अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. फोर्स और प्रेशर ऑन अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. देखिए क्या होता है. सपोज एक स्फीयर लेते हैं हम. कंडक्टिंग स्फीयर होगा इसका मतलब क्या सा स्फीयर होगा? हॉलो स्फीयर होगा. कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब हॉलो स्फीयर होगा. इस स्फीयर को अगर हम चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सरफेस पर क्या हो जाएगा गाइस? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू बाय ए. चार्ज डेंसिटी हो जाएगी कुछ सिग्मा क्यू बाय ए. अब देखिए जब हम इस स्फीयर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है? इस पूरे स्फीयर के हर सेक्शन पर सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज है. तो हर सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज अपने नेबरिंग चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है. क्या करता है? रिपेल करता है गाइस. कहने का मतलब अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ये कंसीडर करूं, ठीक है ना, ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया सेक्शन कंसीडर करूं तो इस पूरे सेक्शन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. और बाकी वाले रिमेनिंग सेक्शन पर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. तो बाकी का रिमेनिंग सेक्शन वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वो सारा चार्ज मिलकर के इस पर क्या करता है? इसको रिपेल करता है और बाहर की तरफ, ठीक है, इस पर फोर्स लगाता है आउटसाइड. क्लियर? तो उसकी वजह से इसका जो साइज है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. सिमिलरली दूसरे सेक्शन की कंसिडरेशन में देखें, अगर इसको कंसिडर करें तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और बाकी बचे हुए रिमेनिंग सेक्शन पर भी पॉजिटिव चार्ज है. तो बाकी का रिमेनिंग सेक्शन जो है वो इस छोटे से सेक्शन पर क्या करता है? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है. कहां? बाहर की तरफ. उसकी वजह से इसका भी साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है. तो हर सेक्शन के साथ ये कहानी होगी कि उसका जो रिमेनिंग सेक्शन है वो इस पर क्या करता है? आउटसाइड फोर्स लगाता है. और ये फोर्स हर सेक्शन पर बाहर की तरफ लगने के कारण जो कंडक्टर है आपका वो क्या हो जाता है? उसकी साइज, ठीक है, थोड़ी सी अपनी ओरिजिनल साइज से बढ़ जाती है फोर्स और प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से. हमने बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में लिखा भी था कि अगर हम किसी स्पेयर को या किसी भी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर एक छोटा सेक्शन अपने बाकी बचे नेबरिंग सेक्शन से रिपल्सिव फोर्स या प्रेशर आउटसाइड डायरेक्शन में क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है. उसकी वजह से वो बाहर निकल जाएगा और इसकी साइज जो है वो क्या हो जाएगी? ठीक है, इनफाइनाइटली थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. और तो ये जिस फोर्स की वजह से इंक्रीज होती है, जिस प्रेशर की वजह से इंक्रीज होती है, वो प्रेशर क्या होगा हमें यहां पर कैलकुलेट करना होता है. उसी को बोलते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको. क्लियर? चलिए, तो इसको करने के लिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं? दोबारा से हम एक स्फीयर बनाते हैं, एक फ्रेश स्फीयर बनाते हैं. ये सपोज कीजिए फ्रेश स्फीयर ले लिया मैंने और इस पर चार्ज दे दिया. एक फ्रेश स्फीयर लिया हमने और इसको क्या कर दिया? चार्ज कर दिया. फ्रेश स्फीयर को चार्ज कर दिया और इस स्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर कर लिया. एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन. कौन सा सेक्शन है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये बीच में पॉइंट सी. तो इस स्फीयर को दो पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया मैंने, ए बी एंड सी. ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए ये सेक्शन आपका, सॉरी, ये सेक्शन आपका अलग है और बाकी का सेक्शन आपका अलग है. दो सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ए बी एंड ए सी बी, ए बी एंड ए सी बी.
ठीक है, चलिए और हम इसके साथ साथ क्या करते हैं, दो पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं, एक आउटसाइड द स्क्वायर पॉइंट पी वन और एक इनसाइड द स्क्वायर पॉइंट पी टू। ये कहां है, पॉइंट आउटसाइड द स्क्वायर और ये पॉइंट कहां है, इनसाइड द स्क्वायर। पॉइंट पी वन इज आउटसाइड द स्क्वायर एंड पॉइंट पी टू इज इनसाइड द स्क्वायर। चलो, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है गाइस? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आपकी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एक तरह का, देखिए स्फेयर को कट करके मैं स्ट्रेट करूं तो वो एक कंडक्टिंग शीट हो गई, कंडक्टिंग शीट हो गई, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। और इनसाइड, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर वाला जो पॉइंट है, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज सिर्फ बाहर बाहर इसके सरफेस पर है, उसकी वजह से बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। इनसाइड द स्फीयर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी गाइस, ये जीरो हो जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स जीरो। क्लियर? चलिए, अगर ये जीरो हो जाती है, ओके ये जीरो हो जाती है, तो दोबारा से अगेन एट पॉइंट पी वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट्री सेक्शन ए बी एंड सेक्शन ए सी बी, एलिमेंट्री सेक्शन ए बी एंड एसी बी, एलिमेंट्री सेक्शन ए सी बी, देखिए दोनों की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी। अगर इस ए बी सेक्शन की बात करें, तो ए बी सेक्शन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी क्या होगी गाइस, ई वन बाहर की तरफ। बाकी बचा आपका सेक्शन ए सी बी, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कहां होगी, बाहर की तरफ ई टू। तो ए बी और ए सी बी दोनों सेक्शंस की वजह से पॉइंट पी वन पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो ध्यान रखिएगा बाहर की तरफ होगी। क्लियर है इज इट? ठीक है, तो वो एड हो जाएगी। तो देखिए पॉइंट पी वन पर इंटेंसिटी एलिमेंट सेक्शन और ए बी सेक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, सॉरी EP1 is equals to E1 plus E2, दोनों की वजह से इंटेंसिटीज ऐड हो जाएगी और वो किसके इक्वल होगी, EP1। EP1 की वैल्यू हम पहले से जानते हैं गाइस कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड द स्क्वायर है, तो आउटसाइड द स्क्वायर पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी चाहे कितनी भी हो एड ऑन होकर के रिजल्ट आपके पास में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आता है। तो E1 plus E2 is equals to क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये पॉइंट पी वन की कहानी है, किसकी कहानी है, पॉइंट पी वन की। सिमिलरली पी टू की भी बात करेंगे, देखिए सिमिलरली एट पॉइंट पी टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट्री सेक्शन ए बी एंड ए सी बी दोनों की वजह से। देखिए आइए देखते हैं डायग्राम में, यह है आपका पॉइंट पी टू। देखिए ए बी सेक्शन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से P2 पर जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है वो कहां होगी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो होगी आउटवर्ड्स नीचे की तरफ E1। इज इट क्लियर? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से P2 पर इंटेंसिटी कहां होगी, नीचे की तरफ। और बाकी बचा जो ACB सेक्शन है,
एसीबी सेक्शन है, इसकी वजह से पी टू पर इंटेंसिटी कहां होगी, अपवर्ड ए टू, क्या होगी अपवर्ड ए टू। इज इट क्लियर, ये क्लियर है सभी को। पॉइंट पी टू पर ए बी सेक्शन की वजह से इंटेंसिटी डाउनवर्ड ईवन और ए सी बी सेक्शन की वजह से अपवर्ड, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब यहां थीटा कितना हो गया आपका 180 डिग्रीज। तो देखिए पी टू पर इंटेंसिटी क्या आएगी आपके पास, पी टू पर इंटेंसिटी ई पी टू इज इक्वल्स टू ई वन माइनस ऑफ ई टू, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आएगा माइनस में आएगा, और वी नो दैट ये ई पी टू, पी टू जो पॉइंट है वो इनसाइड द स्पेयर का पॉइंट है एट पी टू, नेट इंटेंसिटी ई पी टू की वैल्यू पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जीरो होगी। देयरफॉर अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो जीरो इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू हो जाता है, जीरो क्या हो जाता है ई वन माइनस ई टू। यहां से E1 इज इक्वल टू क्या आएगा E2 आएगा गाइस, यहां से E1 किसके इक्वल मिल जाता है हमें E2 के इक्वल मिल जाता है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई, P1 पर हमने छोटे से एलिमेंट्री सेक्शन AB और बाकी बचे सेक्शन ACB की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की। उसके बाद इनसाइड द स्पेयर P2 पर भी हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन AB और बाकी बचे सेक्शन ACB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली। दोनों से हमारे पास रिलेशन क्या आया कि E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2। इक्वेशन टू क्या रखिएगा, इस E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस वैल्यू को देयरफॉर पुट इन इक्वेशन टू तो क्या हो जाएगा, ई वन प्लस ई वन इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टू ई वन इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और ई वन हो जाएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास में ई वन की वैल्यू आ जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, या E1 की बजाय हम क्या करें E2 फाइंड कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई बात नहीं, सेम आप कर सकते हो, E1 की जगह E2 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा E2 E2 E2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका E2, E2 की वैल्यू भी क्या आएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों इक्वल है। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेक्शन ए सी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेक्शन ए सी बी। नाउ यहां तक की बात समझ में आएगी सभी को, ठीक है, देख लीजिए यहां तक की बात समझे, इंपॉर्टेंट है। फोर्स और चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर निकाल रहे हैं, मैंने जो आपका चार्ज स्पेयर है इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, एक पॉइंट ऊपर लिया P1, दूसरा पॉइंट नीचे लिया P2। आउटसाइड द कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेयर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है जीरो, क्लियर। तो P1 पर हमने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट्री सेक्शन AB और ACB की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी चाहिए, तो वो आई E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर सिमिलरली पॉइंट P2 पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी चाहिए ड्यू टू सेक्शन AB एंड ACB, जो कि कितनी आई E1 माइनस E2। क्यों आई E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों सेक्शन की वजह से इंटेंसिटी ऑपोजिट है P2 पॉइंट पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EP2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और हमने ऊपर लिख रखा है कि EP2 की वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए, तो EP2 की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया तो E1 माइनस E2 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ये आपने जब थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी तो वहां से E2 की वैल्यू आ गई गाइस हमारे पास में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेक्शन ACB। नाउ अब आगे की बात, फोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर्स
अप्लाइड बाय सेक्शन ए सी बी ऑन एलिमेंट्री सेक्शन ए बी अब फोर्स अप्लाइड बाय सेक्शन ए सी बी ऑन एलिमेंट्री सेक्शन ए बी। देखिए हमने बात की थी कि ये जो आपका सेक्शन है ए सी बी इस पर सिमिलर टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये सारा का सारा फोर्स जो है ये किस पर अप्लाई कर रहा है, ये इस ए बी ए बी सेक्शन पर अप्लाई कर रहा है, ए बी सेक्शन पर बाहर की तरफ क्या कर रहा है, इसको फोर्स दे रहा है। तो कितना फोर्स दे रहा है इस फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। अगर इस एलिमेंट्री सेक्शन पर हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया रिमेनिंग चार्ज की वजह से, तो बाकी वाले पूरे स्पेयर पर भी वो फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट मोटो है वो यही है, फोर्स अप्लाइड बाय सेक्शन ए सी बी ऑन एलिमेंट्री सेक्शन ए बी क्या आएगा, उसकी वैल्यू होगी डी एफ, वैल्यू होगी डी एफ। एलिमेंट्री फोर्स होगा वो हो जाएगी ई टू इंटू डी क्यू, ई टू इंटू डी क्यू आप देख सकते हैं ई टू इंटू डी क्यू। E2 into DQ, E2 क्या हो गया, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो छोटा सा सेक्शन पड़ा है तो वो किस फील्ड में पड़ा है, ACB की इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो हमने मान ली DQ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is equals to E into Q तो होता ही है, उसी फॉर्मूले से हमने ये बनाया। E2 की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा गाइस DQ। Now, DQ की वैल्यू क्या होगी, DQ की वैल्यू आप लिख सकते हैं सिग्मा DA, DQ की वैल्यू हो जाएगी यहां से सिग्मा DA। यूनिटरी मेथड देख लीजिए, A एरिया पर चार्ज Q, तो यूनिट एरिया पर चार्ज Q बाय A, Q बाय A को हम लिखते हैं सिग्मा, देयरफॉर DA एरिया पर चार्ज सिग्मा बाय A, सॉरी सिग्मा इंटू डी, तो ये डी क्यू की ही वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू डी, एलिमेंट्री सेक्शन का एरिया डी ए है और उस पर चार्ज डी क्यू है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो रही है सिग्मा डी ए। तो डी एफ की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा डी ए, ये क्या बन जाता है डी एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए। यहां तक की बात समझ में आएगी, देखिए मैंने छोटे से सेक्शन पर पूरे बाकी बचे सेक्शन की वजह से फोर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा ई टू इंटू डी क्यू, ई टू की वैल्यू है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और डी क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा से सिग्मा मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा गाइस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास में एलिमेंट्री फोर्स आ गया, ठीक है, देयरफॉर फोर्स ऑन होल स्पेयर चार्ज्ड स्पेयर, पूरे चार्ज स्पेयर पर अपने नेबरिंग सेक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा डी एफ फ्रॉम जीरो टू एफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इन टू डी ए विच इज जीरो टू ए, डी एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ, यहां से सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा और ये हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू ए, एफ की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्या ये ए बन जाएगा, जी हाँ ये ए बन जाएगा। तो आपके पास में फोर्स की वैल्यू जो आ जाती है कंप्लीट फोर्स ये आ जाती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इन टू ए, ये आ जाएगा आपके पास फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर गाइस, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पेयर,
ठीक है, खुद ही के चार्ज की वजह से खुद पर ही फोर्स बेसिकली। अगर मैं इस ए को अपॉन में डाल देता हूं, ए को कहां डाल देते हैं अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाई ए विच इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। एफ बाई ए को हम लिख सकते हैं प्रेशर, प्रेशर क्या आ जाएगी वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी आपके प्रेशर की, क्या फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। सिग्मा की वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं वापस, सिग्मा क्या है आपका इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा की वैल्यू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिखी जा सकती है। यहां पर ध्यान रखिएगा नेट इंटेंसिटी आपकी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है पूरे स्पेयर की, तो सिग्मा की वैल्यू यहां से ई इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिखी जा सकती है। तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो आपके पास प्रेशर की रिमेनिंग वैल्यू बचती है हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा गाइस, हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कंप्लीट प्रेशर ऑन अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रेशर, इज इट क्लियर, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा एक्सप्रेशन आपको, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको यहां तक, यहां से यहां तक ड्राइव करना होता है, देख लीजिए, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट सेक्शन पर, नेक्स्ट एक और डेरिवेशन लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नोट कर सकते हैं आप, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी हम किसी कंडक्टर को या किसी स्पेयर को चार्ज सप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी कंडक्टर या किसी स्पेयर को क्या करते हैं चार्ज सप्लाई करते हैं, तो उस कंडक्टर के जो सरफेस होता है उस सरफेस पर हमेशा कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है गाइस, क्या होती है स्टोर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसकी कैलकुलेशन हमें यहां पर करनी है कैसे स्टोर होती है, ठीक है, कुछ इसके बारे में समझें। आइए सपोज कीजिए ये आपका स्पेयर है, ये क्या है कोई नॉर्मल स्पेयर है, कंडक्टर स्पेयर है, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वायर के थ्रू क्या कर रहा हूं चार्ज सप्लाई कर रहा हूं, मैंने इस पर एक सिंगल चार्ज या थोड़ा सा चार्ज सप्लाई किया तो वो इसके सरफेस पर क्या हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट इस पर और थोड़ा सा चार्ज डी क्यू चार्ज लेकर जाना चाहते हैं, जब हम इसको और चार्ज सप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो क्या होगा ये जो ऑलरेडी इस सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज रिजाइड कर रहा है क्या ये पॉजिटिव चार्ज आने वाले डीक्यू चार्ज को वेलकम करेगा, बिल्कुल नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर रिजाइड कर रहा है ये आने वाले इस पॉजिटिव डीक्यू स्मॉल चार्ज को वेलकम नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा रिपेल करेगा, ये इसे अपने सरफेस पर नहीं आना देगा क्योंकि लाइट चार्जेस है, लाइट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो नेक्स्ट चार्ज आ रहा होगा ये अपनी तरफ से इसे क्या करेगा रिपेल करेगा, लेकिन क्योंकि चार्ज जो सप्लाई हो रहा है वो किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से सप्लाई हो रहा है, एजम्पशन कीजिए बैटरी, चार्ज जो सप्लाई हो रहा है डिलीवर्ड हो रहा है किसी सरफेस पर वो किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से सप्लाई हो रहा है मतलब बैटरी या सेल से सप्लाई हो रहा है, तो वो बैटरी या सेल इस प्रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में क्या करती है वर्क करती है और इस डीक्यू चार्ज को ठीक है सक्सेसफुली इस स्पेयर पर स्टोर करवा देती है, तो फर्दर ये डीक्यू चार्ज जो है वो जाकर के सरफेस पर और क्या हो जाता है स्टोर कर हो जाता है और स्टोर होकर के यहां पर चार्ज की वैल्यू
बढ़ा देता है। जब ये चार्ज की वैल्यू बढ़ा दिया तो यहां पर बैटरी ने क्या किया, वर्क किया है, बैटरी द्वारा किया गया वर्क इस चार्ज के सरफेस पर एज एन एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब क्या होगा नेक्स्ट फर्दर, जब वो और चार्ज लाना चाहेगा डीक्यू, तो क्या होगा, ये चार्ज की वैल्यू यहां पर सरफेस पर बढ़ चुकी है, ये इन सारे सभी चार्जेस का क्या हो जाएगा, एक यूनियन बन जाएगा, और अब ये आने वाले नेक्स्ट चार्ज को दोबारा क्या करना चाहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे। तो फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, अपना पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। जब पोटेंशियल बढ़ा करके बैटरी वर्क करती है और इस डीक्यू चार्ज को फर्दर यहां पर स्टोर करवा देती है, तो उस वर्क के अगेंस्ट में जब ये चार्ज यहां स्टोर होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, आपके इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, वो बेसिकली इंक्रीज हो चलेगी, हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इसका कंसेप्ट होता है, समझ में आई बात आपको। जैसे जैसे आप चार्ज किसी कंडक्टर के सरफेस पर अप्लाई करते रहते हैं, सप्लाई करते रहते हैं, कंडक्टर के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी ही होगी, डेफिनेटली। कितनी इंक्रीज होगी, कैसे इंक्रीज होगी, उसकी बात हम यहां पर करेंगे। तो देखिए, जनरली जब मैं जैसे जैसे मैं चार्ज सप्लाई कर रहा हूं, वैसे वैसे हो क्या रहा है यहां पर, ठीक है, समझना इसको, हो क्या रहा है, जब कम चार्ज था समझना बेटा इसको, जब कम चार्ज था तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन था इस कंडक्टर सरफेस पर वो भी कम था। जैसे जैसे और चार्ज आएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है स्फीयर के आसपास वो और बढ़ जाएगा, और ज्यादा चार्ज जब इस पर स्टोर करवाया जाएगा तो इस कंडक्टर स्फीयर के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल, ये क्रॉस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है बेटा, प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड द स्फीयर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करनी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड द स्फीयर। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बढ़ता जाएगा इसका मतलब कंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज होती चली गई है। क्लियर? तो अब देखिए, ये जो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को इंक्रीमेंट कैसे किया जा सकता है, देखो दो तरीके से। पहला, एक तो मैं यहां पर रेगुलरली चार्ज सप्लाई करता रहूं और स्टोर करवाता रहूं चार्ज को, जैसे जैसे आप चार्ज को स्टोर करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन खुद ब खुद इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। दूसरा, अगर मैं चार्ज सप्लाई ना करूं, और इस कंडक्टर के वॉल्यूम को या सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, छोटा कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बढ़ जाएगा गाइस। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को यहीं रख रहा हूं, मेरा जो कंडक्ट स्फीयर है ये इतना था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन था वो इतना था, सपोज कर लीजिए। मैं यहां पर चार्ज नहीं दे रहा हूं, चार्ज नहीं देकर के मैं क्या करता हूं, इस स्फीयर का जो सरफेस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके इतना छोटा कर देता हूं, और इस वाले रीजन को यहां से गायब कर देता हूं। तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो था ये ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है? जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इंक्रीज हो चुका है और इस स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो स्टोर हो चुकी है। हमारा जो बेसिक है इस टॉपिक का वो यही है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड द स्फीयर इंक्रीज करना है। कैसे? सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करके, चार्ज नहीं सप्लाई करना है, सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं यदि हम, ठीक है, इसके वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके रीजन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ऑफ इट इस
चार्ज कंडक्टिंग सरफेस स्पेयर की इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी उसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो यहां पर यही काम हमें करना है। देखिए सपोज करते हैं एक स्पेयर है आपका, दोबारा से ये स्पेयर है हमारा, ठीक है। इस स्पेयर की जो रेडियस है वो है सपोज आर, स्पेयर की रेडियस कितनी है आर। इस स्पेयर पर ठीक है कुछ चार्ज है, डजंट मैटर, ये चार्ज, ये स्पेयर पर चार्ज है और चार्ज लिख लेता हूं मैं पॉजिटिव है, चलिए पॉजिटिव है, क्लियर। नाउ क्योंकि हमने इससे पहले वाला टॉपिक देख रखा है कि चार्ज होने की वजह से ये कंडक्टर जो है इस कंडक्टर के सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है बाहर की तरफ, चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर पर क्या करता है गाइस, प्रेशर एग्जर्ट करता है बाहर की तरफ पीए, ठीक। नाउ अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं। देखिएगा इसे हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट छोटा करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? प्रेशर जो यहां पर लग रहा है P, वो कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट या हाफ ई स्क्वायर, ठीक है कुछ भी बोल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट प्रेशर। तो प्रेशर प्रेशर एग्जर्ट आउटसाइड द स्पेयर, आउटसाइड द स्पेयर प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स एग्जर्ट आउटसाइड द स्पेयर, स्पेयर के बाहर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा देखिए F is equals to P into A, F is equals to P की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A, एरिया जो है आपका क्योंकि ये स्पेयर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फोर पाई आर स्क्वायर। क्या ये कंडक्टिंग सरफेस के बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है? नाउ अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि इस स्पेयर का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। कितना इस स्पेयर को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर देने का मतलब क्या है कि इस स्पेयर की जो ये रेडियस है डी आर, कितनी रेडियस डी आर, रेडियस कम कर दिया जाए, स्पेयर को कम कर दिया जाए डी आर रेडियस तक, क्या कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए स्पेयर को, ठीक है। नाउ जब बाहर अगर फोर्स ये लग रहा है तो इसको अंदर दबाने के लिए कम से कम इतना फोर्स आपको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। जब देना पड़ेगा तो ये क्या होगा, देखिए वर्क डन, वर्क डन टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर के वॉल्यूम को छोटा करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए जो हम वर्क करेंगे वो dW होगा, क्या होता है F डॉट dr। देखिए डिस्प्लेस फोर्स कितना लगा रहे हैं, जितना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना का उतना फोर्स अंदर लगाएंगे, और dr क्या है, dr इसका डिस्प्लेसमेंट है, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपने dr तक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इज इट क्लियर, ये समझ में आया आप सभी को? तो F के अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फोर पाई आर स्क्वायर इनटू dr, देख पा रहे आप, सॉरी सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फोर पाई आर स्क्वायर इनटू dr, ये बन जाएगा। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dr जो है, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dr जो है गाइस, मैं इसको लिख सकता हूं dv, चेंज इन वॉल्यूम dv, चेंज इन वॉल्यूम। तो नेट टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग द
स्क्वायर W डायरेक्ट लिख रहा हूं, W इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू V। क्या W जो होता है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल होगा क्या? जितना ज्यादा हम कॉन्ट्रैक्ट करने में वर्क करेंगे स्क्वायर पर, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी कंडक्टर के सरफेस पर। तो इसको आप U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू V भी लिख सकते हैं। और फाइनली जब मैं V को यहां अपॉन में डाल दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ जाती है आपके पास किसकी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो जो सरफेस के पर नेट वॉल्यूम पर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई उसकी वैल्यू अगेन क्या आएगी, सेम ही आएगी, ध्यान रखिएगा, प्रेशर के इक्वल, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, यू बाय वी इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कैसे लिखेंगे, ये दोनों ही एक्सप्रेशन इसके हो जाएंगे गाइस, ये दोनों एक्सप्रेशन इसके हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा ये वाला जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। सिंपल है, देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। क्लियर, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो यहां तक की कहानी हमारी आज की रहेगी। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में आपका गॉस एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की तरफ। क्लियर गाइस, ओके, हैव अ नाइस डे। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।